हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस सेट 3.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी। आपको एपी गिवन है और साथ में फिल इन द ब्लैंक्स है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन। कह रहा है हियर ए इक्वल टू, मतलब ए क्या है, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, वन, तो वन डाल देंगे। टी वन भी कहते हैं फर्स्ट टर्म को, यहाँ डाल देंगे वन। T2 means second term, which is 8. T3 means third term, which is 15. 15 हो गया। T2 minus T1, तो T2 क्या है, 8. T1 क्या है, 1. 8 minus 1, 7. T3 minus T2, T3 क्या है, 15. T2, 8. 15 minus 8, 7. तो difference constant है, तो D क्या हो गया, 7. सेकेंड ए पी है 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। कह रहा है हियर फर्स्ट T1 मतलब फर्स्ट टर्म 3, T2 6, T3 9, T4 12 मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म। T2 माइनस T1, T2 6 है, T1 3 है, तो 6 माइनस 3। T3 माइनस T2, T3 9 है और T2 6 है, ठीक है। तो 6 माइनस 3 3, 9 माइनस 6 3, मतलब वही कॉमन डिफरेंस होगा, तो डी क्या हो जाएगा, 3। थर्ड एपी है -3, -8, -13, -8 एंड सो ऑन। कह रहा है यहाँ पे T3 क्या है, मतलब थर्ड टर्म क्या है, -13, सेकेंड टर्म -8, फोर्थ टर्म -18, T1 फर्स्ट टर्म -3, T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, तो T2 क्या है, -8 और T1 है -3, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 3, दैट इज -5। T3 माइनस T2, -13 माइनस -8, -13 प्लस 8, दैट विल बी -5। तो यहाँ A क्या है, -3, कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है, तो -5 हो गया। फोर्थ पार्ट में एपी है 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन। T1 फर्स्ट टर्म क्या है, 70, सेकेंड टर्म 60, थर्ड टर्म 50, ए मतलब फर्स्ट टर्म 70, डी, तो डी में क्या करते हैं, 50, इसमें यहाँ पे एक और भी है, मतलब T4, तो ये क्या होगा, 40। तो डी कैसे निकालते हैं, किसी भी दो टर्म को ले लेते हैं और आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को माइनस कर देते हैं, तो 60 माइनस 70 10, तो डी यहाँ पे हो गया 10। क्वेश्चन 2 है, डिसाइड whether फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। आपको बताना ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है या नहीं, अगर एपी में है तो 20th टर्म आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, -12, सेकेंड टर्म -5, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म 9। तो हम देखते हैं इसका जो डिफरेंस है इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। फर्स्ट निकालते हैं T2 माइनस T1, T2 इज -5 माइनस -12 मीन्स -5 प्लस 12 जो कि हो जाएगा 7। T3 माइनस T2, T3 है 2 और वो है -5, माइनस माइनस प्लस, तो 2 प्लस 5 7। अब निकालेंगे T4 माइनस T3, T4 इज 9, T2 इज 7। अब देखिए सबके केस में डिफरेंस कांस्टेंट है 7 7 7, इसका मतलब ये एपी में है, तो लिखिए सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या आया है, 7, क्योंकि वही कांस्टेंट है, डी इज 7। फर्स्ट टर्म क्या है, -12, ए है -12। हमें क्या निकालना है, 20th टर्म T20। तो इसको ईजिली आप लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिखिए प्लस डालिए, 20 है तो इससे एक कम कीजिए 19 और डी से मल्टीप्लाई कीजिए, तो T20 इक्वल टू ए प्लस 19 डी। ए इज -12 प्लस 19 इंटू टी।
ये 133 होगा, तो 133 माइनस 12 121, तो 20th सम क्या हो गया 121। क्वेश्चन थ्री में आपको गिवन है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, 12, 16, 20, 24 ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फाइंड द 24th टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन, आपको निकालना है T24। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, एज एन तो पता है हमें, एन क्या है 24। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म क्या है 12, कॉमन डिफरेंस निकालना है। हमें पता है कि एपी में है, तो किसी भी आगे वाले टर्म में उसके जस्ट पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस 12 4 आ गया T24। तो क्या फर्स्ट टर्म लिखेंगे, प्लस साइन देंगे, ये क्या है 24, इसमें 1 माइनस करेंगे 23 23D। और अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो आप टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इस केस में यहाँ पे एन क्या है 24 है, ठीक है, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो ए क्या है 12 प्लस 23 इंटू डी क्या है 4, ये 92 हो गया, तो 94 104, तो T24 जो होगा वो होगा आपका 104। क्वेश्चन फोर में आपको ये गिवन है, ये एपी है, आपको 19th टर्म निकालना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 7, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए। तो अगर एपी में ऑलरेडी है तो हमें पता है कि कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट होगा थ्रू आउट, तो किसी भी आगे वाले टर्म में पीछे वाला टर्म माइनस करिए, 13 माइनस 7 6, तो डी 6 हो गया। हमें निकालना है T19 मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस 19 में 1 माइनस करेंगे 18 इंटू डी, ठीक है, ए है 7 डी है 6 प्लस 18 इंटू 6 दैट इज 115। क्वेश्चन फाइव में ये एपी गिवन है आपको 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7 एंड सो ऑन। आपको T27 कैलकुलेट करना है, मतलब 27 टर्म कैलकुलेट करना है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है 9, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, तो आगे वाले टर्म में पिछले टर्म को माइनस कीजिए, 4 माइनस 9 दैट इज माइनस 5, तो ए आ गया डी आ गया। T27 निकालना है मीन्स क्या, ए लिखेंगे प्लस लिखेंगे, 27 में 1 माइनस करेंगे 26 डी, ए इज 9 प्लस 26 एंड डी इज माइनस 5, 9 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस 130, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 121। तो T27 इस केस में हो गया माइनस 121। क्वेश्चन सिक्स है, फाइंड हाउ मेनी थ्री डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। कितने थ्री डिजिट के नेचुरल नंबर 5 से डिविजिबल हैं। इसमें फर्स्ट रूल ये होता है कि आप फाइंड कीजिए कि फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा जो कि 5 से डिविजिबल है। थ्री डिजिट नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से, तो क्या वो डिविजिबल है 5 से, ऑफकोर्स डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया तो बाकी टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि उसमें अगर आप 5 ऐड करते चले जाएंगे तो वो सारे 5 से डिविजिबल होंगे, मतलब नेक्स्ट टर्म 105, उसके नेक्स्ट 110। सेकेंड इसमें फाइंड करना, तो लास्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर कौन सा है जो कि 5 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट देखेंगे कि लास्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर है कौन सा, वो है 999। तो क्या ये डिविजिबल है 5 से, नहीं डिविजिबल है। अगर इसको हम 995 कर दें तो डिविजिबल होगा, तो 995। तो ये हमारा सीक्वेंस बन गया। तो लिखें यहाँ पे फर्स्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय 5, डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है, एंड लास्ट थ्री डिजिट नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 5 इज 995, ठीक है। तो ये सीक्वेंस फॉर्म हो रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 105 एंड 100 इज 5, फर्स्ट टर्म क्या है 100 और लास्ट टर्म क्या है, मतलब nth टर्म क्या है 995। जब हमें tn पता है, a पता है, d पता है, तो n निकल जाएगा, ऑफ कोर्स निकल जाएगा, तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn इज 995, फर्स्ट टर्म इज 100,
प्लस एन माइनस वन इंटू फाइव, तो एन माइनस वन इंटू फाइव, इसको माइनस कर दीजिए, नाइन नाइन फाइव माइनस हंड्रेड, तो एन माइनस वन इंटू फाइव विल बी इक्वल्स टू एट नाइन फाइव, ठीक है। एन माइनस वन क्या हो जाएगा, एट नाइन फाइव अपॉन फाइव, तो कैंसिल कीजिए, वन टाइम में गया थर्टी फाइव, वन सेवेंटी नाइन, तो एन माइनस वन है वन सेवेंटी नाइन, एन इक्वल्स टू वन सेवेंटी नाइन प्लस वन, दैट इज़ 180। तो 180 थ्री डिजिट नेचुरल नंबर है जो कि 5 से डिविजिबल होंगे। तो लिखिए टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट, टोटल नंबर ऑफ थ्री डिजिट नेचुरल नंबर, थ्री डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू 180। क्वेश्चन 7 है, द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन ए पी आर 16 एंड 29। किसी ए पी का 11th टर्म 16 है, मीन्स टी 11 16 है, और टी 21st ये गिवन है आपको 29। देन फाइंड द 41th टर्म, मतलब आपको टी 41 कैलकुलेट करना है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ए पी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी, शॉर्ट में लिखा मैंने सी डी इज डी। फर्स्ट लिखते हैं टी 11, टी 11 मीन्स क्या, ए प्लस 10 डी, एक कम करना होता है, 11 माइनस वन, ये गिवन है आपको 16। टी 21 मीन्स क्या, ए प्लस 20 डी इक्वल्स टू 29, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, सेकेंड में फर्स्ट को माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस 20 डी माइनस ए माइनस 10 डी इक्वल्स टू 29 माइनस 16, ए कैंसिल हो गया, 20 डी माइनस 10 डी 10 डी, 29 माइनस 16 13, डी इक्वल्स टू 13 अपॉन 10, डी आ गया। अब किसी एक में वैल्यू करके आप ए निकाल लो, मैं इस वैल्यू को मैं फर्स्ट में डाल रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, डी इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है ए प्लस 10 डी इक्वल टू 16, 10, डी क्या है 13 अपॉन 10 इक्वल टू 16, 10 10 कैंसिल, तो ए प्लस 13 इक्वल टू 16, ए इक्वल्स टू 16 माइनस 13, ए इक्वल टू 3। अब आपके पास ए भी आ गया और आपके पास डी भी आ गया, तो टी 41 ही निकल जाएगा, निकल जाएगा। टी 41 मीन्स ए प्लस 40 डी, ए इज 3 प्लस 40 एंड डी इज 13 अपॉन 10, 10 से चला गया 4 टाइम्स में, तो 3 13 इंटू 4 52, 52 प्लस 3 55, तो 41 टर्म जो होगा वो होगा 55। क्वेश्चन 8 में आपको ये एपी गिवन है, कह रहा है कि विच टर्म इज नंबर माइनस 51, कह रहा है कि इस एपी को कौन सा टर्म माइनस 151 होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन, उसका रूल ये होता है कि जो भी नंबर आपको गिवन है उसको मान लीजिए टीएन, मैं मान लेता हूँ कि जो टीएन टर्म है, एनथ टर्म है, वो माइनस 151 है, लेट एनथ टर्म बी माइनस 151, ठीक है। एनथ टर्म मीन्स टीएन जो है वो माइनस 151 मैंने माना है, तो टीएन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 151। हमारे पास ए पी क्या है, 11 8 5 2 सो ऑन, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 11, कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, 8 माइनस 11 माइनस 3, तो टी एन हमारे पास ये है, तो लिख लीजिए यहाँ पे, डाल दीजिए सब वैल्यू को, 11 प्लस एन माइनस 1 डी माइनस 3 है इक्वल्स टू माइनस 151, 11
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 3n-3 = -151। तो 11-3n + 3 = -151। 11+3 = -3n = -151। इसको इस तरफ ले आइए, उसको उस तरफ भेज दीजिए, तो 3n = 151 + 14, दैट इज 155, 165। n = 165/3, दैट इज 5, 5। तो n की जो वैल्यू आई वो आई 55, तो मतलब 55th टर्म जो है वो है -151। तो लिख लीजिए t55 = -151। क्वेश्चन 9 में 10 से 250 के बीच में कितने नेचुरल नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल हैं वो कैलकुलेट करना है। 10 से 250 के बीच में फर्स्ट निकालेंगे हम, वो फर्स्ट नेचुरल नंबर कौन है 10 से 250 के बीच में जो कि 4 से डिविजिबल है। तो 10 डिविजिबल नहीं है, 11 डिविजिबल नहीं है, 12 डिविजिबल है, तो फर्स्ट नंबर हो गया 12। उसके बाद सब में 4 ऐड करते चले जाइए, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 में 20, इस तरह से सिक्वेंस चलेगा। अब निकालना है हमें लास्ट टर्म, 254 से डिविजिबल नहीं है, 249 4 से डिविजिबल नहीं है, 248 4 से डिविजिबल है। हमारा काम खत्म, मतलब हमारा काम अब ईजी हो गया, हमारे पास सीक्वेंस आ गया तो हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 12, कॉमन डिफरेंस क्या है 16-12 4 हो जाएगा, और ये लास्ट टर्म क्या है 248, मतलब tn जो है वो 248 है। कैलकुलेट क्या करना है हमें n, तो tn का फॉर्मूला होता है a+n-1 × d। tn इज 248, a इज 12, n-1 एंड d इज 4। तो इस 12 को इधर भेज दीजिए आप, तो n-1 × 4 = 248-12। तो n-1 × 4 = हो जाएगा ये 236, इस 4 से डिवाइड कर दीजिए, n-1 = 236/4। 4 से ये 5 टाइम्स में गया 59, n-1 = 59, n = 59+1 = 60। तो 10 से 250 के बीच में 60 ऐसे नंबर हैं जो कि 4 से डिविजिबल हैं। इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, मतलब T17 जो है 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इस एपी की फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है। लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। तो T17 इसको ऐसे हैं, T17 = T10+7। तो T17 है, लिख सकते हैं A+16D लिख सकते हैं, TN का फॉर्मूला यूज़ किया हमने यहाँ पे। T10 है तो ये हो जाएगा A+9D। मैंने बताया है इसको लिखने का बेस्ट तरीका ये है कि A लिखिए, प्लस लिखिए, उसके बाद जो नंबर है उसमें एक कम करके D से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +7। इन दोनों को आप इस तरफ ले आइए, तो A+16D - A - 9D = 7 हो गया, A कैंसिल हो गया, 16D - 9D = 7D, 7। तो D = 7/7, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 1 आ गया। ठीक है, अब हम इससे कॉमन डिफरेंस निकाला था जो कि आ गया 1, D = 1। ये लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट का, किसी भी क्वेश्चन में क्वेरी है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको फुल कोर्स मिलेगा क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड एनसीईआरटी बोर्ड। थैंक यू।